एएनएम ट्रेनिंग स्कूल एंड हॉस्टल बीरपुर में एसएसवी 45वीं बटालियन के जवानों व अधिकारियों को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लगाया गया कोरोना वैक्सीन। बीरपुर मुख्यालय के कमांडेंट एचके गुप्ता ने बताया कि आज दूसरे चरण का कोरोना वैक्सीन हमारे जवान व अधिकारियों को लगाया गया है। किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि और भी 150 जवान व अधिकारियों को मंगलवार को टीका लगाया जाएगा। जहां सर कोरोना काल में सरहद पर रह करके जो है जवान जो है दिन रात एक करके अपना ड्यूटी कर रहे हैं, तो आज जो भारत सरकार के द्वारा जो है कोरोना से बचाव को लेकर जो वैक्सीन लॉन्च किया गया है, आज अपने भारत नेपाल सीमावर्ती बीरपुर मुख्यालय के एसएसबी 45 बटालियन के कई जवानों को जो है सर कोरोना वैक्सीन के टीका लगाया जा रहा है। सर कितना जवान को लगाया जा रहा है और यहाँ पर आए हैं कितने, कैसा महसूस किया जा रहा है? लगाना तो सारे जवानों को है जो हमारे पूरी बटालियन के स्ट्रेंथ थे, लेकिन एक दिन में 150 का टारगेट रखा गया। और चूँकि हमारे जवान जो है फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जो एमएचए के अंदर में जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीपी जो भी है, तो चूँकि इनको पूरे भारत में कहीं भी ड्यूटी कभी भी करना पड़ सकता है, इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने इनको प्राथमिकता दी गई है। और अभी हमारे जवान, बहुत सारे जवानों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है और उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, अभी तक किसी तरह का कोई भी निगेटिव इफेक्ट नहीं है। वहीं अधिकारी व जवानों ने बताया कि कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद आधे घंटे तक रहने को कहा गया है। इसके साथ ही जवानों व अधिकारियों ने कहा कि टीका लगाने के बाद आत्मनिर्भर और भी बढ़ गया है, अब देश के किसी भी कोने में अपना ड्यूटी कर सकता हूँ। आपने कोरोना का टीका लगवाया है, किस तरह से महसूस कर रहे हैं? नॉर्मल फीलिंग है, टीका से कोई ऐसा असर हुआ नहीं जो नेगेटिव हो, सब पॉजिटिव है। कितना देर पहले आपने कोरोना का टीका लगवाया है? लगभग 1 घंटा हो। किसी तरह का एक्टिविटी महसूस हो रहा हो? नो, नॉर्मल एक्टिविटी। अभी आपको कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया है, किस तरह का महसूस कर रहे हैं? अभी आपको रिजर्व में रखा गया है, टीकाकरण के बाद कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ गया है और अब लग रहा है कि हम भारत के किसी भी कोने में जाके ड्यूटी, अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से दे सकते हैं। और हमारे बहुत सारे जवानों को दिया गया, वैक्सीनेशन किया गया, किसी को किसी प्रकार का कोई मतलब असुविधा नहीं हुआ। वैक्सीन लगाने के बाद कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया है, अब आत्मविश्वास के साथ भारत के किसी भी कोने में नौकरी कर सकते हैं और अभी किसी प्रकार का कोई एडवर्स इफेक्ट अभी कुछ ऐसा एहसास नहीं हो रहा है, सब ठीक है। कितना देर के लिए बोला गया है जो आप इंतजार करें? आधे घंटे के लिए विचार करने के लिए कहा गया कि अगर कोई और प्रभाव नजर आता है तो, लेकिन ऐसा इस तरह का अभी कुछ भी, सब कुछ नॉर्मल फील हो रहा है। क्या इससे पहले, लेने से पहले किसी तरह का मन में जो है ख्याल भी आ रहा था जो सुई लेने से किसी प्रकार की ऐसे? नहीं, ऐसा तो कुछ ख्याल नहीं आया, विश्वास था कि अगर वैक्सीन लगी है तो शायद हमारे भले के लिए ही होगा। अब तक के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए एमएन एक्सप्रेस न्यूज। यह वीडियो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें, उसे लाइक करें, साथ ही हमारे वीडियो को अपने Facebook, WhatsApp और Instagram पर शेयर करिए। धन्यवाद।